दोस्तों स्वागत करता हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस तरह की एलईडी बल्ब जली कटी भुजी कैसी भी टूटी फूटी मिल जाए आपको तो चुपके से उठा लेना। दोस्तों एक बात का ध्यान देना, कोई देख नहीं पाए, नहीं आपका इंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसी कंडीशन में कोई भी बल्ब प्राप्त हो जाती है तो आपका 100 रुपये बच जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी एकदम सेफ है, लेकिन हम ऐसी डायरेक्ट लाइन नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत दिन से पड़ी हुई थी, ब्लास्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इसको ओपन करेंगे, इसका जो ड्राइवर है उसको भी देखेंगे क्या फॉल्ट है, तभी तो समझ में आएगा इसमें क्या कमी है। तो दोस्तों इसको फटाफट से पूरा ओपन कर लेते हैं काट पीट करके। तो यहाँ पर इसका ड्राइवर निकल चुका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक कंडेंसर फूला हुआ है, यानी कि डैमेज हो चुका है। इसको हम रिप्लेस करेंगे एक दूसरे एलईडी ड्राइवर के प्लेट से। तो दोस्तों ये रहा दूसरा ड्राइवर, इसमें सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, इसको हम उसमें से निकाल के इसमें लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। अब दोस्तों कैपेसिटर तो लगकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस नहीं। देख सकते हैं दोस्तों अभी इसमें से निकाल करके ए वाला रेजिस्टेंस उसमें डाल देंगे। तो अब ये दोनों कंपोनेंट्स लग कर तैयार हो गए हैं। दोस्तों अब इसको कनेक्शन कर लेते हैं एक बार। तो इतना करने के बाद इसको चेक करने के लिए एक दूसरा प्लेट लेंगे जो कि ओके है भी, इसको लगाकर चेक करेंगे। अगर ये जल गया, अच्छी तरह से ग्लो हो गया, समझ लो हमारा ड्राइवर सही हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं सही चलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाफ एलईडी ग्लो कर रही है। दोस्तों अभी हमारा ड्राइवर पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, या फिर हमारा ये एलईडी जो प्लेट है ये इसमें कोई कमी आ गई होगी, इसलिए ये हाफ ग्लोइंग कर रहा है। तो अभी हम अब इस एलईडी प्लेट को रिपेयर करेंगे। तो अब हम इसको निकाल देंगे, इसको निकालने के बाद जो इसमें एलईडी प्लेट था उसको लगाकर देखेंगे कि किस तरह से काम करता है।
दोस्तों इसको लगाने के बाद देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इसको चेक करने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी LED नहीं ग्लो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें LED सभी LED को चेंज कर देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखिए हम किस तरह से इसकी सभी LED को चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर LED को चेंज कर चुके हैं, अब सोल्डिंग करके देखते हैं ये ग्लो करता है कि नहीं करता। तो यार दोस्तों देखिए ग्लो तो कर रहा है लेकिन ये हाफ ग्लो कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम वही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली इस LED प्लेट को निकाल चुके हैं, इसमें एक दूसरा LED प्लेट जो ये वाला, इसको लगा कर देखेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं। तो वाह यार ये LED एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम इसको पैक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। अब ये हो गया पैक, तो इस पे लगा लेते हैं अपना कवर। तो दोस्तों ये रहा हमारी मेहनत का फल। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।